नमस्कार, आप देख रहे हैं भट्टू दर्पण न्यूज। मुख्य समाचारों के साथ मैं जय सिंह जालवा। पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत भट्टू मंडी में पौधारोपण अभियान चलाया गया। डॉक्टर एनडी शर्मा ने लोगों को पौधारोपण के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे व सामाजिक नागरिक होने के नाते जो भी प्रकृति का ध्यान रखते हैं, प्रकृति की देखभाल करते हैं, उनका भाग्य बनता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि पौधारोपण अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि वातावरण शुद्ध हो सके। इस अवसर पर गोपाल बंसल, नरेंद्र लूना, सुरेंद्र बंसल, डॉक्टर दर्शनानंद शाश्वत, हिमांशु शर्मा, डॉक्टर एनडी शर्मा व दिनेश गर्ग मौजूद रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग भट्टू कला द्वारा वीरवार को गांव भट्टू कला में संचालित प्ले स्कूल में रेडीनेस मेला कर लोगों को जागरूक किया गया। CDPO रेखा गुजिया ने बताया कि प्ले स्कूलों में बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उनकी रुचि आवश्यकता अनुसार क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनकी गतिविधियां करवाई जाएगी। बच्चों को प्ले स्कूल में उठना, बैठना, बोलना, खेलना, पढ़ाना सहित अनेक कार्यक्रम करवाए जाएंगे। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों के विकास के लिए प्ले स्कूलों में दाखिला करवाना चाहिए, वहीं बच्चों के पोषण का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। प्ले स्कूलों में आयोजित किए गए रेडीनेस मेलों के दौरान सुपरवाइजर राजकौर, राजबाला, कौशल सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रही। हरियाणा रोडवेज में निरीक्षक के पद पर कार्यरत गांव बनावाड़ी निवासी कृष्ण कुमार की सेवानिवृत्ति पर विधायी पार्टी का आयोजन किया गया। भट्टू बस स्टैंड में आयोजित इस विधायी पार्टी में भिवानी जिले के लोहारू में स्टेशन सुपरवाइजर सुभाष ढांड व टोहाना संस्थान प्रबंधक विनोद कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण कुमार बड़ौदा ने हरियाणा रोडवेज में 33 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी है। उनका कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है। उन्होंने अपनी सेवाएं बहुत ही ईमानदारी और लगन से की है। उनकी सेवाओं से दूसरे कर्मचारियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी आपस में तालमेल बनाए रखना चाहिए। इस दौरान कर्मचारियों ने उन्हें समर्थित चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में टोहाना बस स्टैंड प्रबंधक विनोद कुमार को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रिटायर्ड इंस्पेक्टर भादर सिंह, इंस्पेक्टर सेवानिवृत्त प्रेम कुमार, रमेश डिंगसरा, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर बनवारी लाल, राजेश जांडवाला, जगदीश कागदाना, पवन सोनी, कृष्ण कुमार भट्टू, मांगेराम सतपाल, जयप्रकाश दीपक, सुभाष फौजी, सुरेंद्र साई, दिलबाग हरपाल, विनोद सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।